गिर गया रे, आराम से आराम से। वो जगह ना बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड में पानी आ रहा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से और एक नए व्लॉग में। फिलहाल जो अभी समय हो रहा है आपका 6:30 हो चुका है, और ये देखिए क्या है, खूबसूरत किरणें निकल रही है। एंड अभी मैं नहा के रेडी हो चुका है, एंड जब मैं नहा रहा था उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही शख्स का याद आ रहा था, जो कि है जब मैं पानी डाल रहा था ना तो उसका गाना याद आ गया मुझे। वही गा के मैं नहाया और थोड़ा सा तो रिलैक्स फील हुआ। आप भी कभी ट्राई करो। फिलहाल थोड़ा सा चाय पीते हैं उस A few moments later. तो चाय वगैरह पी लिया और अभी बैग ले लिया, इसमें कुछ गर्म कपड़े हैं क्योंकि रात को ठंडा लग सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ गर्म कपड़े रखे हैं। एंड आज 9 है, मतलब आज घर पे सभी लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज मेरे पापा भी आएंगे और साथ ही मेरे दीदी भी आ रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरा दीदी का लड़का भी आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग सब खुश हैं। फिलहाल अभी सब कुछ सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठा हूँ और मेरी अम्मी उठी है। अब चलते हैं भैया के घर और उसके बाद देखते हैं कि वो रेडी हुए कि नहीं, और उसके बाद हम अपना जर्नी शुरू करेंगे डिब्रूगढ़ के लिए। अभी जो समय और आपका 7 है और गाड़ी वगैरह हमने निकाल ली है, अब हम कुछ समय बाद यहाँ से निकलेंगे डिब्रूगढ़ के लिए। जो लोग जा रहे हैं उनका सामान भी आ चुका है, सामान भी हमने डिक्की में रख दिया। अभी भैया गए हैं घर को लॉक करने के लिए, जैसे लॉक करके आएंगे उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। करीब 1.5 जर्नी करने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं NH-37, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पर हम रुके हैं एक तो ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड सेकेंड चीज़ कि वॉशरूम। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ खूबसूरत नज़ारे NH-37 का। ये आपका वॉशरूम है, इधर किड्स जोन है, अंदर जाके किड्स खेल सकते हैं। और ये है आपका रेस्टोरेंट NH-37 जहाँ अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। A few moments later. 4 बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, और डिब्रूगढ़ से काफ़ी आगे हम आए हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी तैयारी चल रहा है, और किस चीज़ का तैयारी चल रहा हो तो आपको देखने से पता चल जाएगा। सो हम करीब 5 लोग थे, भाभी जा रही आगे। कैसा हीरो, कब पहुँच गया? अरे 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 देखो ये मिल गया हीरो, कहाँ गया और सब कोई? फ्री फायर खेल रहा है। शाबाश बेटा, कैसी है? ठीक है। हाय बोलो। हाय। चलो घर पे नहीं ले जाएगा अपना? चलो हाँ चलो चलो। अरे संजय भैया कैसे है? इधर दिखाई दे भाई, आदमी देखे पिला पिला हो गया। बोला भैया अरे ये हीरो भी मिल गया मुझे यहाँ पर। और आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पर एक नदी जो कि कहा जाता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र, और ये घर से एकदम नज़दीक में है, तो हम एकदम ब्रह्मपुत्र नदी के पास आ चुके हैं। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके तुमको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। शादी कब है? आज है। आज है शादी? आज बारात जाएगा। क्या चीज? वो अरे 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 एक चिड़िया है गाइस गाइस गाइस, वो अरे वो कैसे दिखाऊँ कैसे दिखाऊँ, मुझे भी यहाँ पर कैमरा में नहीं दिख रहा। वहाँ पर एक बड़ा सा चिड़िया है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो बहुत ही बड़ा है, कम से कम ये 10-15 kg का होगा, और आपको इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है, तो थोड़ा सा देख सकते हो वो। भाई क्या एक खूबसूरत है, बड़ा है बहुत ही। ये नदी वहाँ से शुरू होती थी बट धीरे धीरे मिट्टी काट काट के यहाँ तक पहुँच गया है। इतने सारे यहाँ पर गाय भाई के, सब जर्सी गाय, तो एक दिन में कम से कम 30-40 दूध तो देता ही होगा। जिसको भी अगर ब्रह्मपुत्र नदी में नहाना होगा तो आके नहा सकते हैं, पानी बहुत कम है बट पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो जिसको जैसा इच्छा हो आके कर सकता है। फिलहाल अभी हम मार्केट में निकले हैं क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी का रिपेयरिंग कराना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है आते वक्त, तो उसी के लिए अभी मार्केट में निकलता है। इसी बहाने में मैं आपको थोड़ा सा डिब्रूगढ़ भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। फिलहाल वहाँ पर भैया अभी गाड़ी का रिमोट जो कि होता है ना वो बनवा रहे, बैटरी लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ठीक होने के बाद हम जाएंगे गैरेज आगे तरफ।
इतना कुछ ज्यादा आपको दिखा नहीं पाया मार्केट में। सोचा था ये कि हमें 2 घंटा समय मिलेगा गैरेज में जब गाड़ी को लगा देंगे रिपेयरिंग के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा वहाँ पर 1-2 आदमी से मिलना था, वहाँ पर मिले, उसके बाद डायरेक्ट हम आ चुके हैं वापस अपने जगह पर जहाँ हमें आज रहना है। और देखता हूँ कि यहाँ का कुछ आपको नज़ारा दिखा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना सुविधा भी नहीं है। तो ट्राई करूँगा कि कुछ आपको यहाँ का दिखाने का। ज़्यादा गर्म लग रहा था इसके वजह से मैंने अपना जो गर्म वाला कपड़ा पहना था वो निकाल दिया, अभी टी शर्ट पहन लिया हूँ और अभी जा रहा हूँ एक जगह एक्सप्लोर करने के लिए। और मेरे ये लेके जा रहा है, इसको ये बोल रहा है कि एक सामने अच्छा जगह है देखने के लिए फ़िलहाल, वो तो जाके पता चलेगा, तो वो आज आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। तो ये है रास्ता जो कि एक विलेज टाइप में ही है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बम्बूस के घर देखने को मिलेंगे, कहीं भी देखो राइट लेफ्ट आगे पीछे तो सबसे ज़्यादा बम्बूस के घर ही आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड में पूरे बालू भर के ना ये सब जगह को फिल करने के लिए लगे, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कट रहा है, तो इसके लिए ये सब बालू जो दूर से लाकर मतलब उस तरफ से लाकर उधर से लाकर यहाँ पर गिराया जा रहा है। ये देखो गिरा दिया, तो ये सब इसीलिए गिरा रहा ताकि ये मिट्टी जो देख रहे हो ना कितने ज़्यादा कट कट के देखो गिर रहा है, तो ये सबको रोकने के लिए। वाओ, और बोर्ड भी देखिए ना, कम से कम 70% तो डूब ही चुका है। वाह भाई क्या सीन है। तो अब चलते हैं उस तरफ और देखते हैं कि ये नज़ारा कैसा दिखता है। भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, ये मौत का कुआ है भाई, वो देखो ना कैसे एक जगह में पानी पूरा राउंडिंग कर रहा है। जिसको स्विमिंग सीखना होगा ना आ जाओ यहाँ पर भाई, या तो आप सीख जाओगे या मर जाओगे, दो में से एक काम हो जाएगा, एक चीज़ तो करके जाओगे। ये पानी जो घूम रहा है ना वो एक जगह ही नहीं हो रहा, आपका उधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, मतलब उस तरह में भी हो रहा है, बहुत दूर तक हो रहा है भाई। क्या ही भयंकर नज़ारा है यहाँ से। तो एक तो इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर यहाँ पर आके जो सुकून मिल रहा है ना वो कहीं शायद नहीं मिलेगा। बहुत ही मस्त एंड अच्छी वाली ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो फिलहाल अभी हम इस बोट में बैठेंगे, चलो चलो, और यहाँ पर भी पानी पानी है भाई, फिर भी हम जा रहे हैं इसके ऊपर बैठने के लिए। वैसे चला तो नहीं सकते हैं क्योंकि अपना पास इतना टैलेंट नहीं है। ओ भाई हिलो मत, गिर गया रे, आराम से आराम से आराम से। देखो ना पानी देखो कितने भाई, पानी देखो यार, फ़ोन गिर जाएगा ना तो ख़त्म अपनी, तो एक ही फ़ोन बचा भाई। पानी सच में बहुत ज़्यादा गहरा होगा, बहुत ज़्यादा गहरा। ऑब्वियसली गर्म हो रहा है बट यहाँ पर थोड़ा देर बैठ के रिलैक्स करेंगे क्योंकि ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, तो ये बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या कर रहा है तुम भाई, क्या कर रहा है? अभी चला जाएगा ना तो मार खाएगा तुम, अगर छूट गया ना वहाँ से तो तुम तेरे का पानी के अंदर और हमको बचाएगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अभी लाओ, गिरेगा तो गिया, खत्म भाई, गिरे तो हम लोग खत्म। ओह भाई भाई सच कहूँ वो जगह ना बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड में पानी आ रहा है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर बैठकर, करीब से करीब 15-20 मिनट हमने यहाँ पर रहा, समय बिताया। अब थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करके देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। फिलहाल बहुत ही मस्त एंड ठंडा हवा यहाँ पर आ रहा है, जिसको मतलब यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा, फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो रहता नहीं हूँ मैं। तो अब इधर चलते हैं और देखते हैं कि इस तरफ क्या क्या देखने को है। फिलहाल ये जो नदी है ना, बस ये नदी को लेकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इतना तो कुछ है नहीं देखने के लिए क्योंकि पूरा खाली खाली जगह है। ये जगह गाइस ना लवर पॉइंट है, यहाँ पर कहीं भी देखो ना तो आपको सब तरफ लड़का लड़की देखने को मिलेगा। साला सिर्फ हम दोनों को छोड़ के ना, तुमको चाहिए गर्लफ्रेंड, इसको चाहिए गर्लफ्रेंड। हम दोनों सिर्फ हैं जो कि अकेले हैं, बाकी सब यहाँ पर कपल बैठे हुए हैं। तो रास्ते का साइड साइड देख रहे हो ना, इधर में बैठ के उन लोग लगे हुए हैं और सब कोई फेंट रहे हैं एक दूसरे को, मतलब बकरी हलाल होने वाला है, समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई। हे भगवान, मेरे लिए भी कुछ सोचो यार, कब तक मैं कब तक ऐसे देखते रहूँ, अकेला रह के कब तक ज़िंदगी बिताऊँ भाई, कुछ सोचो मेरे लिए भी भाई। अब मुझसे ना देखा ही नहीं जा रहा ये सब, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। तो अब वापस जाने का सोच रहा हूँ क्योंकि पूरे स्टार्टिंग से जहाँ से हमने शुरू किया ना वहाँ से लेके मतलब अभी आगे और जाने का सोच रहे हैं वहाँ तक सब यही दिख रहा है भाई, यही मज़ा नहीं आ रहा है।
रो या हंसू समझ नहीं आ रहा। वापस चले तो अब जा रहे हैं वापस जाएंगे, अब उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर घर पर जाके क्या करेंगे। तो मैं कितना बड़ा चूतिया हूँ ना, बात तो सही है। मुझे पता होते हुए भी फिर भी मैं और आगे बढ़ता रहा और ऐसे ऐसे नज़ारे देखे कि मेरा आँख से आंसू निकलने लग गए थे। बहुत अफसोस, बहुत ही दुखी लगा। सो अभी फाइनली पहुंच चुका हूं घर पर और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे एंड मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय एंड टेक केयर।